हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज हम इस कूलर मोटर, या इसे हम कूलर किट भी कहते हैं, इसे हम सीलिंग फैन की तरह छत में लगाकर चलाएंगे। यह इसका डाटा है, 230 वोल्ट में चलता है। इसके 1275 आरपीएम है और यह 105 वाट करंट को खपत करता है। तो चलिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। यह इसकी ब्लेड है, तो शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग कंपनी ने दी है। इसमें कूलर बॉडी में कसने के लिए यह स्क्रू दिए गए हैं। और यह कूलर मोटर है और इसमें कुछ नहीं है। तो अब हम कूलर मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यह कूलर मोटर है। इसमें भी इसका डाटा रहता है। इसमें 4 वायर बाहर निकलती हैं, सफ़ेद, लाल, काला और नीला। इसमें 4 MFD का कैपेसिटर रहता है। आज हम इस कूलर किट को सीलिंग फैन की तरह छत में लगाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्क्रू को खोलकर इस क्लैंप को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार इसी क्लैंप को हम इस प्रकार बनाएंगे कि यह हमारा फैन बॉक्स में सेट हो जाएगा और कूलर किट सीलिंग में लटक जाएगी और सीलिंग फैन की तरह कार्य करेगी। तो इस प्रकार हम इस क्लैंप को बना लेते हैं। दोनों तरफ इस तरह हम इसको मोड़ लेते हैं और यह हमारा क्लैंप तैयार हो गया है। इन दो ढिबरियों को खोलकर इस क्लैंप को हम इनमें सेट कर लेते हैं। इस प्रकार हम ढिबरियों को खोल लेते हैं। और इस क्लैंप को बड़ी ही आसानी से इसमें हम सेट कर लेते हैं। सबसे पहले वॉशर लगाकर ऊपर ढिबरी को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं ताकि चलते समय यह खोले ना। इसी प्रकार दूसरी ओर भी हम वॉशर को लगाकर ढिबरी को टाइट कर देते हैं। काफ़ी सरल है यह कार्य, पर जो लोग नहीं जानते हैं
वह इस वीडियो को देखकर आसानी से यह कार्य कर सकेंगे। इस प्रकार हमने क्लैंप को कूलर किट में सेट कर लिया है और कूलर शाफ्ट को घुमाकर देखते हैं तो सही घूम रही है। अब हम इस कैपेसिटर को इस क्लैंप में इस प्रकार बांध लेते हैं ताकि यह चलते समय कूलर ब्लेड में ना लगे। अब हम इसमें टेप लगा देते हैं ताकि यह कूलर फैन घूमते समय कैपेसिटर खोले ना। इस प्रकार ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। यह नीला वायर हमेशा कॉमन होता है और यह तीन वायर स्पीड वायर होते हैं जिसको कि हम तीनों वायर को आपस में जोड़ लेते हैं तो एक हमारी हाई स्पीड आ जाती है। वायर हमेशा ध्यान से कनेक्शन करें। काला, सफ़ेद और लाल इन तीनों वायर को आपस में इकट्ठा कर लेते हैं इस प्रकार। यह दो हमारे वायर एसी सप्लाई के लिए हो जाते हैं। तो अब हम इस केबल को इन दो वायरों में जोड़ लेते हैं इस प्रकार। अच्छी तरह जुड़ने के बाद इनके ऊपर हम टेप लगा देते हैं ताकि किसी प्रकार का शॉक लगने का खतरा ना हो। यह कूलर किट सीलिंग में जब लगा लेते हैं तो सीलिंग फैन की तरह कार्य करता है और अच्छी हवा हमें मिलती है। अब हम इसमें टेप लगा देते हैं इस प्रकार और अब हमारा दूसरा कार्य इसमें सीरेज बोर्ड से टेस्ट करना होता है। तो यह हमारा सीरेज बोर्ड है तो अब हम इसको सीरेज बोर्ड में टेस्ट करते हैं। तो स्विच को 5-pin सॉकेट में लगाते हैं और ऑन करते हैं तो देखिए बल्ब जलने लगता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा कूलर किट सही है। अब हम इसको डायरेक्ट एसी में लगाकर चेक करते हैं। तो इस स्विच को हम एसी में लगाते हैं तो देखिए दोस्तों कूलर किट हमारा अच्छी तरह वर्क कर रहा है और घूम रहा है। अब अगला कार्य हमारा इस ब्लेड को कूलर मोटर में सेट करना है। तो यह कूलर शाफ्ट में देखिए यह कटा हुआ रहता है, इसी पर हमें इस स्क्रू को रखकर अच्छी तरह टाइट करना चाहिए ताकि चलते समय कूलर ब्लेड बाहर ना निकले और स्क्रूओं को अच्छी तरह टाइट कर देना चाहिए।
यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम स्क्रूओं को टाइट कर देते हैं और अब हम इस कूलर मोटर को चलाकर देखते हैं। तो डायरेक्ट एसी में हम इसको सप्लाई देते हैं और देखिए दोस्तों, यह कूलर फैन हमारा इतनी अच्छी तरह वर्क कर रहा है और घूम रहा है। यह देखिए दोस्तों, कूलर फैन हमारा सीलिंग में लगने के लिए तैयार हो गया है। इस प्रकार हम कूलर किट को सीलिंग फैन की तरह लगा सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो